अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फराज जवेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ़ फराज। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। व्यूअर्स, हमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए उन वीडियोस के ऊपर जो हमने आपको अपने प्रैक्टिकली तौर पर क्लासेस दी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और डिमांड्स भी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं कैरेट की तरफ, कैरेट कटिंग स्किल्स। तो गाजर के साथ कैसे कटिंग्स करते हैं, कौन कौन सी कटिंग्स होती हैं और कौन सी कटिंग किस चीज़ में इस्तेमाल होती हैं, सब इस वीडियो में है। भरपूर है ये नॉलेज से, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप देख नहीं पाएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं गाजर की कटिंग की तरफ और स्टार्ट करते हैं और कटिंग स्किल्स बताते हैं आज की इस वीडियो में, कैरेट कटिंग स्किल्स। सबसे पहले कटिंग बोर्ड को आपने स्टेबल करने के लिए याद रखिएगा, इसके नीचे कोई भी वेट सा टॉवल या कोई भी ऐसा डस्टर रख लीजिए, इसकी ग्रिप अच्छी रहती है और ये कहीं मूव नहीं होता। और उसके बाद हम लोग आपको बता देंगे सबसे पहले स्किल्स में पील करना कैरेट को। तो उसके लिए आपको एंगल का बताएं, ये 90 का एंगल है, तो 45 के एंगल पर आपने कैरेट को पील करना है। ये आपका एंगल है और आप स्लाइसली इसको मूव करते जाएँ और पीलिंग स्टार्ट हो जाए। देख लीजिए बहुत आसान है इसको पील करना, और इससे ये कि ब्लेड आपके हाथ पे नहीं लगता और ये हैसअप के तौर पे देखा जाए तो हम इसे प्रॉपरली सेफ हैं। ऐसे ही हम अपनी सारी गाजरों को पील कर लेते हैं। व्यूअर्स, पील हो चुकी हैं हमारे पास कैरेट्स और अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट कट की तरफ और बताते हैं आपको। सबसे पहले कट की तरफ हम देखें तो हम लोग पहले इसकी चूंच जो बोलते हैं टेल और इसकी जो स्टार्ट बॉटम है इसको कट कर लेंगे। और कैरेट के इंचेस में अगर हम जाएं तो हम एक फिंगर साइज़ में देखते हैं कि इसको फिंगर साइज़ में कट करें। ऐसे हम इसके स्लाइस कर लेंगे, लार्ज स्लाइस। और उसके बाद हम आपको बताएंगे सबसे पहले कट जो होता है वो होता है स्लाइस्ड। तो स्लाइस कट के लिए आपने अपनी नाइफ को स्किल्स भी आपको साथ बता दें, अपने नाइफ को इंडेक्स फिंगर के साथ थंब से कनेक्ट करना है और बाकी तीनों फिंगर्स को ग्रिप बनानी है। नाइफ को होल्ड करके आप इसके क्लॉ कीजिए और उसके बाद यहाँ पर स्लाइस निकालना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही हम लोग स्लाइस कट कर लिया और अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट कट जो होगा जूलियन। तो आइए चलते हैं सेकंड कट की तरफ जो हमारे पास है जूलियन। तो जूलियन के लिए आपको पहले रोल कैरेट को आपने स्टेबल करना है। उसके लिए आप यहाँ उसको हैंडल यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, बट इधर इधर से भी आप कर सकते हैं। तो हम स्किल्स पर लेते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्लाइस करेंगे फर्स्ट कट, इसको मूवमेंट करेंगे, अब ये बिल्कुल हिल नहीं रही, और अगेन अगेन और अगेन ये आपका एक क्यूब फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद हम इसको बारीक बारीक स्लाइस करेंगे और इसकी फाइन जूलियन निकालेंगे। स्लाइसली स्लो एंड स्टडी, आप बिल्कुल नाइफ के साथ तेज मत जाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किल्स परफेक्ट हो जाएंगे। इसको ऐसे ही आप स्लाइस कीजिए फाइन चॉप, फाइन जूलियन के लिए फाइन चॉप इसके बाद हम बताते हैं। जब आपकी ऐसे पेटल्स आ जाएं, स्टिक्स आ जाएं, इसके बाद आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, दो दो तीन तीन जैसे आप इजी हो, और उसके बाद यहाँ पर इसको साइज को सेट कर लें और अगेन इसकी जूलियन निकालें। ये जूलियन आ गई, और जो जूलियन कट किए थे उन्हीं के साथ आपको बताते हैं कि इसको चॉप कैसे करना है। तो इनको सबको इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा करने के बाद इनको मेका क्लॉ दोबारा से पकड़िए और इसको चॉप करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे बैलेंस करके अगेन तो आपको बता दिया कि जूलियन के साथ आपने नेक्स्ट कट कैसे मैनेज करना है।
ये हमारा हो गया जी कैरेट का फाइन चॉप। और अब हम लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट कट की तरफ। अब हम आपको कट बताते हैं जो राइस में जाता है, थोड़ा सा कोर्स जूलियन स्टिक्स कर लें, ये शेप आ जाए, साइज देख लें आप, इसी साइज के मुताबिक हम इसको थोड़ा सा तीन में स्लाइस कर लें या चार में कर लें। पहले इनकी बैटनेट्स काट लें। सब बराबर होंगी तो कटिंग अच्छी लगेगी। इसके जो टॉप एज थे वो थोड़े बड़े थे, उनको मैं उसी लाइन में ले आता हूँ। अब यहाँ पर ये बैटनेट्स आ चुकी हैं, अगेन देख लीजिए सबका साइज़ बराबर है। और इसके बाद हम इसको क्लॉक करेंगे और कट कर देंगे जो हमारी राइस में जाती हैं, एग फ्राइड राइस में। अब बाकी इंशाल्लाह हम आपको वीडियो में बताएंगे कौन सी कटिंग किस चीज़ में यूज़ होती है। तो ये देख लीजिए परफेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कट की तरफ। अब हम एक और ऐसी ही बैटनेट लार्ज वाली साइज़ की पकड़ लेते हैं और बताते हैं आपको एक नेक्स्ट कट जो होगा हमारे लिए डाइस। उसके लिए मैं यहाँ से तीन टिक कर लूँगा इसके, और इसके बाद थोड़ी सी शेप दे के ये थोड़ा सा डाइस हो जाएगा, ये देख लीजिए ये हो गया हमारा डाइस। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट कट आपको बताते हैं, वो है कैरेट का क्यूब। और क्यूब कर लेते हैं, क्यूब के लिए हम लोग आपको बता देते हैं कि वही फिंगर साइज लेके हम इसको कट कर लेंगे। और यहां से क्यूब का बता दें, क्यूब के लिए आप 1/2 करें और उसके बाद अगेन इसकी मूवमेंट्स को साइड से सेट करके इसके बाद जब क्लीन हो जाए इसको 1/2 करें अगेन। और ये देख लीजिए इसके बाद हम इसके क्यूब कर लेंगे। ये हो गया जी कैरेट के क्यूब। और नेक्स्ट कट बताते हैं जो होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए मैंने एक गाजर को ले लिया और मैं उसकी फर्स्ट कट आपको बता दूं, आपने इसको 45 के एंगल से कट करना है स्लाइस। और उसके बाद आपने कैरेट को टर्न कर लेना है और यहाँ पे आप अगेन लगाएंगे कट, ठीक है। फिर अगेन आपने कैरेट को टर्न करना है, अगेन टर्न, ऐसे ही आप टर्न करके इनके स्लाइस कर लेंगे। और ये वेजिटेबल्स सॉटे वेजिटेबल्स में भी चले जाती है। और अदरवाइज इसके साथ जो एक ट्रायंगल बनेगा हम आपको वो भी बताते हैं नेक्स्ट वीडियो कट में। ये देख लीजिए। और इसके साथ ही हम आपको बताएं कि जो नेक्स्ट कट बताया था कि आपने ट्रायंगल्स करने हैं तो आप इसको बेस इसके नीचे रखिए और स्लाइसली कट, तो यहाँ पे आपके ट्रायंगल्स निकलेंगे। तो ये आपके एक ही कट से आपके दो कट निकल आए। इसके लिए इसकी रूट को कट करते हैं और बताते हैं अब आपको सेकंड लास्ट कट, जिसमें आप इस गोल कैरेट से ब्लॉक भी निकाल सकते हैं, जो अमूमन हमारी एक रेसिपी आती है कंग पाओ, उसमें जाता है। तो हम वही कट बताएंगे, सबसे पहले स्लाइस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद एक ब्लॉक आ जाता है और ब्लॉक के साथ हम डायरेक्टली इसको स्लाइस कर लेंगे।
और आइए चलते हैं अपने लास्ट कट की तरफ। और अब अपने लास्ट कट की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको एक और कट जो है सौते वेजिटेबल्स में जाता। अमूमन आप लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में खाते हैं, वो कैरेट कैसे कट होती है वो बताते हैं। स्लाइस, और यहाँ से इसको अगेन स्लाइस करेंगे। मोटाई देख लें आप, इतनी ही रखिएगा। तो ऐसे स्लाइस करने के बाद हम इसको 1/2 कर देंगे, और जो ज़्यादा बड़ा साइज़ आ रहा है उसको 1/3 भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए जो सौते वेजिटेबल्स में कट जाता है वो ऐसे कट होता है। हमारी कटिंग स्किल्स हुए कंप्लीट, कैरेट कटिंग स्किल्स। और आइए अब हम आपको फाइनल शॉट बताते हैं कौन सा कैरेट कट कहाँ इस्तेमाल होगा। हमारी कटिंग्स हुई कंप्लीट, और एक ज़रूरी बात आपको बतानी थी कि देखने में तो ये कैरेट ही है गाजर, लेकिन इसके मकसद जो था वो आपको बताने का ये था कि आप उन स्किल्स को सीख लें जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमारे पास टेक्निक्स हैं और आप तक हम सिखा रहे हैं। तो उसके साथ आप जब भी कोई अपनी ऐसी रेसिपी डेवलप करेंगे तो आपका फ्लेवर तो एग्जैक्ट गाजर का वही आएगा, बट खूबसूरती डिश की डेवलप हो जाएगी। तो आइए बताते हैं आपको कौन सा कट जाएगा किस रेसिपी में। तो चलते हैं सबसे पहले कट की तरफ जो था हमारा स्लाइस कट। तो कैरेट स्लाइस आप वैसे भी सैलड्स वगैरह में खा सकते हैं, या अमूमन आप किसी रेसिपी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये है हमारे पास सौते वेजिटेबल्स का कट, और अगेन ये भी सौते वेजिटेबल्स का कट है। जो लोग डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेट को ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट कट है। यहाँ पर बात हो रही है जूलियन की, तो फाइन जूलियन आपको बताया, और फाइन जूलियन के बाद आपने फाइन चॉप कैसे करना है उसके बारे में भी आपको बता दिया। इसको आप ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जैसे मायो बेस हो उस ड्रेसिंग में। तो यहाँ पर कट है बहुत ही खूबसूरत, ये कट है मेरा फेवरेट कट जो है स्मॉल डाइस। उससे ये है हम लोग जब अपने राइस में ऐड करते हैं और बेहतरीन कलर आता है, कुदरत का रंग नज़र आ रहा है इसमें कि कितना खूबसूरत कट हुआ हुआ है। और यहाँ पर नेक्स्ट कट था हमारे पास डाइस। डाइस जो है आप अपने सैलड्स में डाल सकते हैं, एक बहुत अच्छा शेप है और पाकिस्तानी रेसिपीज़ में भी जा सकता है। तो जो नेक्स्ट कट था वो है क्यूब। तो क्यूब जो है ये भी सैलड के प्रिपरेशन में है, जो क्रीम बेस्ड सैलड हैं उनके अंदर बॉयल करके ऐड किया जा सकता है। हम इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ भी बताएंगे। और ये बहुत ही अच्छा कट है जो हमारे पास है स्क्वायर में। तो स्क्वायर वाला कट हमारा जाता है कॉन्ग पाओ रेसिपी में, हम वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह रेसिपीज़ में। अभी बात हो रही है कटिंग्स की। और ये है व्यूअर्स लास्ट कट जो है ट्रायंगल, जो निकला था इस कट से ट्रायंगल। ट्रायंगल आपकी थाई डिशेज में जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आज का जो लेक्चर, जो आज की हमारी क्लास थी, हमने आज आपको ट्रांसफ़र की। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, और करने के बाद इसको ज़रूर डेवलप करें अपनी रेसिपीज़ में। रेसिपीज़ आपको कुकिंग विद शेफ़ फराज़ के पेज पे मिल जाएंगी, और इसको बनाइए और हमें फीडबैक भी दीजिए। जो ये हमने आज आपको सिखाया है, हमें पूरा यकीन है कि हमने प्रॉपर आपको अच्छा इनपुट दिया है, और इनपुट के बाद जब आप अपनी तरफ से इनपुट देंगे तो वो फीडबैक होगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कुकिंग विद शेफ फराज को, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें, जल्द मुलाकात हो रही है अच्छी रेसिपीज और कटिंग्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।